तो गाइस वहां पर देखो वो लड़का नीचे गिर गया, ये देखो आ रहे हैं। हे गाइस कैसे हो, आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आई एम नॉट। तो सो गाइस अभी अरेस्ट ना के आया हूँ मैं, आज जा रहा हूँ मैं कहीं जा रहा हूँ आज ये टाइटल देखो पता चलेगा कहीं जा रहा हूँ। तो हाँ बता दे रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ मैं, आज जा रहा हूँ मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। तो उधर कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे उधर, कहते हैं उन्होंने बोला था आज आ जा करते हैं नानी। मैं काफ़ी दिन से गया नहीं, जब से आया हूँ ना मैं अपने नानी के घर नहीं गया, सिर्फ बुआ के घर रह रहा हूँ जब से। तो फाइनली मैं कल आया था कहते अपने यहाँ पर गाँव में। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ, भाभी जी खाना पास रही हैं कहते हैं, खाना मेरा कटोरी में डाल के देंगे कहते प्लेट की प्लेट में। तो गाइस अब मैं खाने का बाद मिलता हूँ, बस खाली मिलता हूँ। तो सो गाइस ये देखो ये प्लेट में करते हैं फुलके हैं थोड़े, और ये सब्जी वगैरह सब्जी दाल जैसी लग रही है मुझे, ये आलू की सब्जी और साथ में नमक वगैरह, नमक थोड़ा कम है। बस खाने के बाद मिलता हूँ सीधा मैं। तो सो मैंने अब खाना खा लिया है, बहुत मिर्ची थी खाने में और थोड़ा नमक कम था, नमक डाल दिया था, नमक साथ में प्लेट में रख दिया था। तो बस मिर्ची सी लग रही है अब, बोला पानी तो आया नहीं, पानी अब नीचे जाके पीऊँगा, नीचे समर लग गया ग्लास में पीएंगे बस। तो हर्षू भाई जाएंगे साथ मेरे, वो देखो पीछे तैयार हो रहे हैं, दिखाओ कैमरे में आपको, हर्षू भाई साथ जाएंगे वो, तो वही ड्राइव करेंगे, ड्राइव मैं भी करूँगा क्योंकि मैं अकेला ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ूंगा एक हाथ में वो, तो वही करेंगे ड्राइव। और उनसे भी मिलवा दूँ आपको मैं, हर्षू भाई अब आ रहे हैं, थोड़ा सेट होके आ रहे हैं और सेक्सी होके आएंगे एकदम। तो गाइस आगे मिलता हूँ, हर्षू भाई को मिलाऊंगा आपसे आगे मिलता हूँ मैं। हर्षू भाई आ रहे हैं अब, हर्षू भाई इधर आ जाओ कैमरे में थोड़ा, यार वो शर्म आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कैमरे में, फर्स्ट टाइम आएंगे। और बैग शैग लेके आऊँ सीधा, फिर बताता हूँ आपको मैं, यार सीढ़ी उससे चलना, सीढ़ी एकदम खड़ी है। तो बैग वगैरह लेके आता हूँ मैं, तो उसमें से गोरे ट्राइपॉड लगाऊंगा, गोरे ट्राइपॉड उसी के अंदर रखा हुआ है। मैं गोरे ट्राइपॉड कम यूज़ करता हूँ, मसाली जब यूज़ करता हूँ कहीं बाहर जाऊँ लंबे टूर पर जाऊँ, मसाली लंबे टूर पर कभी मैं गया नहीं आज तक इतना। तो ये इसमें बैग शैग रख लिया, तो ये बैग है इसमें सामान वगैरह डाल लूँगा। तो आगे मिलता हूँ सीधा। तो मम्मी क्या क्या मंगाना है उधर से, हैं क्या क्या मंगाना है, हैं नानी क्या क्या रख देंगे ये बता दो। खोया हम लोग 5-6 किलो तो खोया रखेंगे आराम से, 5-6 किलो तो रखेंगे आराम से। अब मैं जा रहा हूँ ठीक है, हाँ आराम से संभाल के जाऊँगा ठीक है। अब हर्षू भाई कहते गाड़ी लगा रहे हैं, देखो पीछे देख रहे हो गाड़ी लगा रहे हैं आप देखते हैं, और गेट खोल लेना सामान के ठीक है। हर्षू भाई निकालो आराम से, जय भोलेनाथ ले लो, भोलेनाथ का नाम ले लो आराम से। तो लिखा रहे हैं निकाल ली गाड़ी अपनी, हाई वसल कर ली, तो करेंगे देखो चमक रही है एकदम गाड़ी पूरी। तो अब आगे इधर से चलेगा, इधर से चलेगा वो जा छोड़ दे ठीक है, मैं आगे मिलता हूँ भाई उसको छोड़ने गया, हर केस को छोड़ने गया मैं। ये करने ड्राइव कर रहे हैं कहते हैं ऐसे, हर्षू भाई ड्राइव करेंगे। तो अब आगे निकालेंगे थोड़ा ये और ये ड्राइव। तो सो गाइस हम यहाँ से आगे निकलेंगे, यहाँ से कहाँ आएंगे, शिवपुरी के जाएंगे भाई, कहाँ से जाएंगे शिवपुरी के जाएंगे भाई, कहते हैं वो देखो कहते हैं खड़े वाले पुल से होकर सीधा चिलकुन के से होकर सीधा जाएंगे, निकलेंगे आप। मैं आगे रुक गया था अपने गाँव में, बाहर रुक गया था बस खाली। ये हर्षू भाई है, ऐसा लगता है कितना मस्त लग रहा है, चिकना मुंडा लग रहा है आराम से। तो यही ड्राइव करेंगे, तो मैं उधर कर नहीं पाया, उधर से सीधे लगन बोलते हैं जल्दी आना, मैं कल सुबह आऊँगा शायद के आज शाम को आ जाओ कोई पता नहीं। तो अभी लिख कर रहे हैं हम आगे, अब आगे सीधा मिलूँगा सीधा चिलकुनी को ऐसे। एक ये डलाना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खुल गया पता नहीं कैसे करके, और इस स्कूटी पर क्रैक सी भी आ गई हैं, वो गली से हो जाता है ना कहते हैं, गली से निकालते हैं थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो गाइस आगे मिलता हूँ लोग। तो ये खड़खड़ कर रहा था जब से कहते हैं, ये देखो ये दिख रहा होगा ये निकल गया, यही डलाऊँगा बस अभी जाकर मैं। तो बाकी एक नंबर गाड़ी बननी है मेरी, दिख रहा होगा एकदम ब्लैक एंड रेड एकदम मस्त। यार बहुत रोड ख़राब हो रही है यार ये है, तो है हर्ष भाई यार रोड देख यार, ये रोड इतनी ख़राब है यार, आराम से लगा रही है स्लिप नहीं हो जाए गाड़ी यार, आराम से लगा रहे यार, रोड बहुत ख़राब हो रहा है यार। तो यहाँ का गाइस रोड बहुत ख़राब है, ये थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ड्राइव पर थोड़ी। तो गाइस मेरे पास गोप्रो वगैरह कुछ नहीं है, बस एक फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करता हूँ बस। ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, पहले इसलिए बोल दे रहा हूँ आराम से, एक और बार बोल दूँगा लास्ट आउटर में बोल दूँगा बस। तो ये बैल बुग्गी आ रही है, देखा गोबर वगैरह रखा हुआ है, इस पर खाद वगैरह आई है, तो आगे भी एक बैल बुग्गी है। तो गाइस ये 6x6 है, देखा होगा
चार एक चार बैल के आगे और दो पीछे, टायर 6x6 बन गई। तो ये भी रोड बहुत ख़राब है एक्चुअली, ये गांव है, ये रोड बन जाना कसम से टेम्पू शेम्पू उस पर भान वगैरह चल करेंगे। और तो आराम से गाड़ी आगे देख, एकदम रोड ख़राब है आगे पूरी, ये निकाल यहीं से निकाल दे, आराम से डाल दे, डाल दे टॉप गेट डाल दे, गई गई गई, ओ गई गाड़ी यार यार आराम से निकाल। ये देखो गए, तो अब आगे फाइनली ये रोड आ गई यहाँ पर। अब रोड पे लिंक रोड है ये करीब, इसमें फिर भी गाड़ी चलती है, इसको कहते हैं बाइक हैक के लिए ठीक आराम से रोड। और तो आगे पीछे एक ट्रैक्टर फंस गया था, मैंने उसका एक शॉर्ट ले लिया, बुरा आदमी था कुछ कह दे कुछ बेची हो जाती हाल। तो हर्ष भाई ड्राइव करें, एकदम फर्स्ट क्लास ड्राइव करते हैं, इनको करीब 7 साल हो गए इनको ड्राइव करते करते, उनकी उम्र है करीब 18-19 साल तो है इनकी उम्र, 19-20 साल है आराम से इनकी उम्र, पर हाइट में थोड़े वैसे हाइट बढ़ाएंगे आराम से। अब उधर ही आएंगे मेरे पास, आएंगे जम्मू कश्मीर आएंगे आराम से, जरूर दिखाऊंगा इनको। तो एक बार गए थे मेरे साथ पी गली, गए थे कहते हैं पी गली, फर्स्ट टाइम गए थे पी गली बर्फ पे, ये इनको पहली बार लेके गया था पी गली। कहते हर्षू भाई कैसा लगा था पी गली जाकर तुम्हें? बहुत अच्छा लगा था। हाँ, और वहाँ पर एक सीन ज़रूर हो गया था हमसे, कहते हैं इससे गाड़ी आराम ठोके से ठोक गई थी बस वाली, हाथ पैर में लग गई थी, मगर उधर का जो नज़ारा था ना एक नंबर नज़ारा था, क्या बताऊँ मैं आपको। तो पी गली का अभी तक मैंने एक ब्लॉग पेंडिंग पड़ा किया नहीं, मगर पेंडिंग है मेरे पास ब्लॉग पड़ा हुआ ऑलरेडी, मैंने अभी उसका अभी टाइम नहीं डाला अपलोड कब करूँ कब नहीं, कहते मैं जब मेरे पास हो गया ना अपलोड कर दी कोई अच्छे टाइम से देख के मुहूर्त देख के अपलोड कर दूँगा आराम से इसको, मैं मुहूर्त नहीं हाल अपलोड कर देता हूँ मैं। तो आगे चुलकुनियाँ क्या ये डाल रहे हैं नेट शेट एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा आराम से, हो जाए तो ठीक है आराम से। ये पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं ये है भी कहते हैं ये प्लान लाख रुपये में काफ़ी होती है गाड़ी, है ये मिस्त्री भाई ठीक कर रहे हैं गाड़ी, थोड़ी खड़े करी थी और कुछ नहीं गाड़ी, ये कोई नेट डाल एडजस्ट हो जाए ठीक है आराम से भाई। इसका यार ये नेट नहीं डलेगा यार इसमें, यार ये नेट तो नहीं डलेगा यार, छोटा सा नेट होता है इसका यार, करीब चेक कर दे फिर। तो गाइस नया मैकेनिक आ गए हमारे हर्षू भाई, आज से ये मैकेनिक बनेंगे, गाड़ी ठीक करेंगे हर्षू भाई। तो ये गाड़ी ठीक करेंगे आराम से, ये नट डालेंगे यार भाई, छोटा सा नट रुंची बस खाली आराम से पड़ जाएगा, कहते हैं इतना बड़ा नट इनका तो ये अब तो पड़ जाएगा शायद, ये एक नंबर तो ये पड़ गया।
इस समय कासगंज में हो गए थे, कासगंज में हो गए 10 से 15 मिनट हो गए थे कहते हैं, इसलिए मुझे कहते हैं स्कूल से फ़ोन आया था कि बोल रहे थे आधार कार्ड का फोटो सेंड करो, इसलिए कहते फोटो वगैरह सेंड करते हैं, इसलिए हम आगे पैट्रोल का मैं थोड़ा पैट्रोल रख लाते हैं कहते हैं, फिर मिठाई वगैरह लेंगे, आधा किलो मिठाई ले लेंगे, आधा किलो एक किलो मिठाई करीब ले लेंगे, करीब जा रहे हैं पहली बार इसलिए। तो गाइस यहाँ पर सीटी तक आ गए, इसलिए मुझे थोड़ा यहाँ पर जलन सी हो रही है, काफ़ी चढ़ रही है थोड़ी बहुत। हाँ तो गाइस आगे मैं पेट्रोल डलाने पर मिलता हूँ, तो पहुंच गया यहाँ पर, ये दिख रहा होगा पीछे, ये यहाँ पर जल वगैरह चढ़ाएंगे थोड़ा, हम कहते हैं इधर आए तो जल जरूर चढ़ाएंगे हम इधर आके, तो एक सेकंड में भी जूते उतार लो यार। और यहाँ पर देखो अंदर भी काफ़ी सारे यहाँ पर जूते उतार, यहाँ पर कोई प्लान नहीं था क्या कहते हैं, हम तो मिठाई वगैरह ले लें थोड़े, पहली बार जा रहे हैं अंदर, कहते हैं थोड़ा बहुत मिठाई ले लें इसलिए। तो गाइस आगे बिठा दूँ वहाँ पर, तो गाइस ये ऐसा कुछ सीन है, उन्होंने मारे कहते वो ले लिए थे जूते, कहते जूता भी चढ़ाए थे, चने लिए हैं यार, क्या हो गए थे हर्ष भाई बताओ यार एक बार, हमारे मेरा जूते लेके थे यार, इससे पूछो क्या क्या हो गया भाई, ये जूते लेके था मंदिर भी उठा के यार, चने लिए 10 रुपए के यार, लिए थे तब छुटाए, हां जब छुटाएंगे थे गाइस परेशान हो गए थे, जूता यार इतना महंगा यार लेके यार। तो गाइस यहां का बहुत अच्छा अलग सी वाइब से आ रही है, काफी दूर दूर के लोग आ रहे हैं, देखो उधर वो नहा रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूं मैं यहां पर। तो गाइस वहां पर देखो वो लड़का नीचे गिर गया है, ये देखो आ रहे हैं, तो ये चैटिंग कर रहे हैं अपनी जीएफ के साथ। तो सो गाइस ये देखो यहाँ पर वो वहाँ पर गुरुद्वारा है, ये देखो बहुत बड़ा मंदिर है गाइस, ये सोरो के अंदर, तो वो नहा रहा है देखो, तो ये यहाँ पर शिव जी की मूर्ति वगैरह रखी है, ये सब जगह ये बहुत बड़ा सोरो में सबसे बड़ा मंदिर यही है, आप यहाँ से हम लिख रहे हैं सीधा आप गोरे जाकर निकल, गोरे मिलते हैं कहते हैं उधर, कहते हैं मिठाई शिठाई लेके जाएंगे, कहते हैं ऐसे नहीं जाएंगे हम फलियात, तो ये दोस्त अपना ये देखो ये मांग रहा है, कहते हैं कुछ थोड़े पढ़ आराम से, तो कहा ऐसा अच्छा नहीं लगता भाई, दे पीछे पीछे आ रहा है कसम से, कुछ नहीं है यार मेरे पास। तो गाइस आगे अब मैं यहाँ से गाड़ी करता हूँ, तो गाइस सर कहते हैं एक दिन कसम से चैनल लेके आया था, फिर कहते हैं पता नहीं यार वो गिर दिया, कुछ गिर दिया यार वो आगे जो वो नहीं होता वो गिर दिया था, देखो नीचे गिरा हुआ, तो सो गाइस आगे जाके देखते हैं क्या गिर दिया। तो गाइस मैं करीब आ गया था, बहुत बारिश हो रही थी इसलिए मैं कहते हैं वो नहीं कर पाया, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग वगैरह इसलिए शूट वगैरह नहीं कर पाया मैं, और ये बोरी वीडियो बनाने में लग रहे थे। तो गाइस यहाँ पर मच्छी का तालाब है बहुत बड़ा, तो अभी पानी कम है गाइस, अभी हम आए थे इनकी खेत पर आए थोड़ा बहुत देखने के लिए, और तो गाइस पुजारों को ब्लॉग जरूर करूँगा देखना, पुजारों का पुजारों चला के भी बताऊँगा और सब कुछ। तो सो गाइस ये दिख रहा होगा पीछे तालाब है कहते हैं, इससे इधर समर लगी हुई इसमें पानी इधर जाता है, बहुत पानी है, तो ये बबीता है, तो हर्षू भाई वो देखो हर्षू भाई आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो अभी हम जाएंगे कहते हैं कुछ करेंगे यहाँ पर इंटरेस्टिंग करेंगे थोड़ा बहुत पानी वगैरह करेंगे यहाँ पर थोड़ा बहुत। तो गाइस यहाँ पर मुझे करीब 2 घंटे 2 या 2.5 घंटे हो गए, बहुत बारिश हो रही है, अभी जाके बंद हुई है बारिश यहाँ पर, एक्चुअली आकाश पीछे रह गया है, आकाश कहते हैं आकाश गाड़ी करीब खाने गया था हमारी कहते हैं,
तो गाड़ी बीच में गली है ना, कहते रास्ते वगैरह होता है, कहते इसलिए कोई लोग वाहन वगैरह निकलते रहते हैं ना, इसलिए गाड़ी कहीं खड़ी करने गया होगा। तो गाइस जब वो आ जाए, जब भी तो गाइस यहाँ पर ये लोग नहाएंगे और नहाएगी सीधा देखते हैं नहाएगी नहाएगी यहाँ पर ये नहाएगी इस कहते हैं इस तालाब में नहाएगी। तो वो सामने आकाश खड़ा है, उस साथ में उसका जिमी खड़ी हुई है देखो। तो गाइस मैं यहाँ पर गाड़ी लेके आया था ना, कुत्ते 3-4 कुत्ते मुझे लग गए थे पीछे, कहते हैं ऐसे आ नहीं देते भाई यहाँ पर वो हैं कहते हैं। ये देखो यहाँ पर बाजरा वगैरह हुआ है, ये छोटा इस छोटे का नाम नहीं पता मुझे क्या है। तो हर्षू भाई जा रहे हैं इनके संग, क्या हो गया क्या हो गया तो आकाश जल्दी है वाकिया स्लो मो करते अंदर। ओ ये देखो बच्चे जा रहे हैं इधर बाग में जा रहे हैं, आम का बाग है। तो देखो आम का बाग बड़ा मस्त लग रहा है, अलग ही वाइब से आ रही है। हाँ आकाश कितना टाइम लग गया तुझे? 2 मिनट लगे, काफ़ी 1 घंटा हो गया तुझे, 1 घंटे से तेरा वेट कर रहे हैं हम। हैं आकाश मजे में यार तू है। तो सो गाइस इसके हाथ में आम है, देखिए लल्ली आम भी हो ले आम है, देखो अभी भी काफ़ी अभी पके हैं आम, यहाँ पर आम अभी भी हो रहे हैं काफ़ी सारे। तो सो गाइस वो जिमी आगे जा रही है, आगे आगे सेफ्टी के लिए हमारी वो। तो हम आगे जा रहे हैं, मसाली खेत भी जा रहे हैं। तो आगे अर्शु भाई तो उनको पसंद नहीं कहते कैमरे में आना, तो अर्शु भाई तो आराम से आते हैं, अर्शु भाई तो कहते हैं हाय 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 बस। तो सौरव कहते हैं, मैं कहते हैं सौरव कहते हैं, मैं थोड़ा बहुत शॉट लिया था सौरव का, क्योंकि पता गाइस क्या हो गया था उधर, कहते जूता ले गया था मेरा, कहते बंदर कहते एक ले गया एक छोड़ गया मेरे लिए बस। तो उसके लिए 10 रुपये कहते चने लिए हैं, चने छोड़े काफ़ी सारे। तो और जो गाड़ी का वो होता है ना, स्कूटी के नीचे जा लगाते हैं पैरदान सा होता है कुछ, वो भी ले जा रहा था, उससे छीन लिया हमने कहते हैं। तो अलग सी वाइफ से आ रही थी, हम सोच रहे नहाने का, काफ़ी गहरा पानी था, कुछ पता नहीं कितना गहरा पानी था, इसलिए हम नहाए नहीं। तो खेत थोड़ी दूर हो गया हमारा। तो सुबह यहाँ पर ये देखो धान पूरी तरह से बर्बाद हो गए, देखो लोगों की फसलें कहते हैं ख़राब हो गए थे। लोग इतनी मेहनत करते हैं गाइस, खेती करते हैं फिर उनको वो करते हैं कहते हैं सब कुछ करते हैं गाइस, उनके फिर भी धान, ये देखो जिमी दिख रही है मेरा सीन ऐसा गाइस, यहाँ पर हवा चलती जब आंधी वगैरह आती है ना कहते हैं, जब ये धान वगैरह सब कुछ गिर जाते हैं, और मक्का भी गिर जाती है कहते हैं, मक्का भी होती है इधर कहते हैं मक्की होती है। तो मक्का उधर कहते हैं, और ये देखो जिमी मेरी तरफ देख रही है, मुझे जिमी से बहुत डर लग रहा है। तो गाइस बॉक्स से इतना डर नहीं लग रहा, इससे लग रहा है मुझे गाइस आगे जा रही है थोड़ी, देखो जैसे गिदड़ होता है ना गाइस, गिदड़ की तरह जा रही है, दिख रहा होगा आपको। और तो यहाँ पर तो चार तो पानी जाना है, तो गाइस ये देखो यहाँ से निकल गई है, क्या लेके आई है खट्टा रखियो। ये देखो गाइस मौसमी की तरह लग रही है गाइस मुझे, हैं ये मौसमी है, लड्डू है, बॉल है, फुटबॉल है यार, ये जंपर का बॉल लग रहा है मुझे, ये खाते भी है जिमी। हां खा लेते हैं, आ जा बाबू आ जा, ये खाने का है वो देखियो अट्रैक्शन चला रही हूं ना चला का। तो गाइस ये सामने मड़ी हुई, ये यहां पर सामने मड़ी है, यहाँ पर हमारे पापा रहते हैं कहते हैं। जो देखो गाइस एक्चुअली ये सीन है, देखो मेरे भाई है ना उनकी शादी हुई, वो वहाँ पर उनके ससुर रहते हैं, मेरे ससुर लगते हैं, इसलिए हम वो बोलते हैं उनको। तो ये जिमी अबे जी यार मुझे भी गाइस ये देखो आम खा रहा है, दिख रहा होगा कैसा लगा आम, मीठा नहीं होगा इसके अचार बनते, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है कसम से देखकर इसको, इसके अचार बनते कसम से, जाको अचार पत्तू है इसका भी बनता है। ये है क्या ये बताओ मुझे, ये है क्या चीज, खट्टा आवाज खाई ली, खट्टा होता क्या खट्टा, देखो खट्टा होएगा वीडियो बना रहा, हां वीडियो बना रहा हूं, और छोटे मौज में है ना, चेक कर रहा हूं ये अमिया, चेक कर रहा हूं कैसी है। तो भाई भी चेक कर रहा है, भाई तो खट्टा यूज कर रहा है खट्टा, इसका टेस्ट ही अलग है, खट्टा खट्टा एकदम मुंह में पानी सा आ गया गाइस। तो खट्टा इतना टेस्ट नहीं लगा मुझे, खट्टा मैंने तो ये यूज नहीं किया, इसमें क्या इसको अच्छा लगा, खट्टा खट्टा कैसा लगा तुम्हें,
बहुत मीठा है, बहुत ही मीठा है, खट्टा कब से मीठा होने लगा गाइस। तो और यहाँ पर आस पास कोई नहीं है कहते हैं। एक मिनट रुक यार अर्शु, ये क्या चीज है? गुलाब का। अच्छा अभी दोबारा क्या बोला था तूने? मसूक देने जा रहा मसूक। मसूक को यार क्या बात, मसूक हमारी तो गाइस मसूक भी नहीं है, इसकी मसूक है गाइस। कितनी मसूक है भाई, सच बता? 10-20-30 किसी को दे दूंगा वो हाल ले लेगी। हाँ अब मैं यहाँ पर यहाँ से सीधा घर पे जा रहा हूँ, घर पे मिलता हूँ सीधा गाइस। घर पे वैसे घर कैसा है ये दिखाऊंगा कहते हैं। और गाइस पुजारों का व्लॉग जरूर करूँगा गाइस, पुजारों का व्लॉग जरूर दिखना कहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बात उसका शूट करूँगा, थोड़ा सा शॉट लूँगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सी पुजारों कौन सी। मुझे ये भी पता कौन सी पुजारों है, खाली 4x4 चलाएंगे गाइस और थार भी चला के दिखाऊंगा मैं आपको, डस्टर भी सब। और गाइस कोठी भी दिखाऊंगा कहते हैं, मेरे पास कोठी है वो भी दिखाऊंगा। तो गाइस सीधा मिलता हूँ व्लॉग के। तो सो गाइस ये देखो मोर की ड्रोन है, देखो ये पंख संग मोल के, इसको मैं पंख बोलता हूँ, इन्होंने बताया ड्रोन है ये देखो एकदम। ये देखो जिमी शिमी, ये देखो देखो गाइस वो कहाँ जाके गिरी है, देखो वो दिख रहा होगा आपको, वो कहाँ जा रही है, देखो भाग रही है, रेस लगा रही है। देखो गाइस ये अब जिमी जाएगी, ये की देखो गाइस ये भी की उसके पीछे पीछे जा रही है वो। हाँ वो लग जाएगी, लग जाएगी। ये छोड़ो देखो गाइस जहाँ पर चढ़ गए ऊपर, ये देखो ऊपर बेड से बनाया हुआ है, रात को यहाँ पर रखवाली करते हैं इसलिए यहाँ पर ऊपर सोते हैं।